अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिस्मी मोहसिन ब्लॉग। और अभी टाइम हुआ है 3:30, तो मैंने बस 2 बजे जोहर की नमाज़ पढ़ी और इतने जल्दी 3:30 भी हो गए, तो और असर भी हो चुकी है। तो इतने जल्दी दिन ख़त्म होता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता और काम होते ही नहीं है। तो ये मेरा पीछे ब्लॉग चल रहा है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरा ब्लॉग देख लेना, न्यू ईयर वाला जो मैंने अभी अपलोड की हूँ। तो मैं अंदर कुछ काम कर ही रही थी, तब तक हसने ने यहाँ पे बाहर काम कर दिया, मम्मा के लिए काम बढ़ा दिया, क्योंकि वीकेंड था ना, तो उसे लगता होगा कि मम्मा का वीकेंड ख़त्म हो गया है, अभी मम्मा की भी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, तो हसने ने मेरे लिए काम शुरू कर दिया है। तो ये हसने ने काम मम्मा के बढ़ा दिया है, अभी ये सब कवर निकाल के मेरे को वॉश करना पड़ेगा। जब छुट्टी होती है हस्बैंड को और वीकेंड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी भी छुट्टी है, तो उस दिन फुल रेस्ट रहता है मेरा, खाना भी बाहर से ही रहता है, तो मुझे इतना कुछ लगता नहीं है। बट जब वीकेंड ख़त्म होता है ना, तो पूरा काम का प्रेशर आ जाता है मेरे ऊपर, पूरे घर की सफाई करना, काम करना, तो यही सब मैं कर रही थी। और हसनैन ने मेरे काम बढ़ा दिया था, तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद मेरा बेडशीट चेंज करना, ये वो सब मेरा काम चल ही रहा था। एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुश्किल और टफ होती है, उसे घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है वुमेंस डे साल में एक बार नहीं, एवरी डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये जो शाम का वक्त होता है ना, वो बहुत फास्ट जाता है, टाइम तो चला जाता है बट काम तो होते हैं नहीं। और मैं यहीं पे जो डे टू डे से मेरी वॉल पेंटिंग लेके आई थी ना, उसे लगा रही थी, क्योंकि वो वीकडेज वीकेंड में तो मेरा हुआ नहीं, तो सोची अभी लगा देती हूँ। और यही मैंने सोफ़े के कवर वॉश करने के लिए निकाली थी, तो सोचा चलो सोफ़े को भी अंदर से थोड़ा सफाई कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डस्ट दिखाई दे रही थी मेरे को। और कवर धोने डाली हूँ तो वो सूखने के लिए तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है मौसम, इसलिए मैंने उस पर बेडशीट लगा दी हूँ। मैं सोच रही थी कि आज एकदम इजी और सिंपल सी कोई रेसिपी हो जो मेरा जल्दी से हो जाए काम, और जल्दी से रेसिपी कंप्लीट हो जाए, खाना बन जाए जल्दी, क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो रहा है। तो मैं आज बना रही हूँ डब्बा गोश्त, तो ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैंने सोची कि यही बना देती हूँ, क्योंकि काम करके मैं थक गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर चॉप ऑनियन ली हूँ, उसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी मैं। और उसमें मैंने खड़े मसाले डाली हूँ, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्ची और लौंग डाली हूँ, और इसको भी तेल प्याज के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। और फिर उसके अंदर मैंने तो इसमें हल्दी पाउडर डाली हूँ मैंने, और इसमें कोई झमेले वाले काम नहीं है, मतलब मसाला वसाला पीसना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जितने अपने पास मसाले पाउडर रहते हैं ना, वही डालना है। तो इसमें मैंने अभी क्यूमिन सीड्स डाली हूँ, और बस ऊपर ऊपर से ही मसाले डालने हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर, यही सब इसमें डलेगा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये सब मैं डालूंगी और उसे थोड़ा सा भूनूंगी मैं। और फिर इसमें मैंने केचप डाली हूँ, केचप इसमें ज़रूरी है, टोमेटो नहीं लेना रहता है, क्योंकि टोमेटो से खट्टा टेस्ट आएगा और इसको थोड़ा स्वीट टेस्ट चाहिए, तो इसके लिए मैंने टोमेटो केचप डाली हूँ। और ये ब्लैक पेपर क्रश डाली हूँ मैंने अंदर, तो ये डालने के बाद मैंने इसमें चिकन डाली, और चिकन डालने के बाद बस उसको थोड़ा सा पकाते छोड़ना है, चिकन वैसे ही पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो उसमें चिकन डालने के बाद उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पकने छोड़ना है।
और जब चिकन पक जाए, पूरा फाइनल हो जाए, तो ऊपर से मैंने दो एग ली थी, उसको लंबा लंबा काट कर ये मैंने डाली हूँ अंदर। तो ये बस फाइनल होने के बाद ऊपर से डालना है अंडा और उसे मिक्स करना है। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए, अच्छा फ्रेश टेस्ट आने के लिए मैंने कोरिएंडर लीव्स डाली हूँ, तो वो डालना है। और ये इजी और सिंपल सी रेसिपी रेडी हो गई है मेरी, और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें मिर्ची भी काट के डाल सकते हो। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।